आपका सोमवार 6 अगस्त का दिन इस मायने में खास हो गया कि धरती के बाहर जिंदगी की खोज में निकला मार्स रोवर क्यूरियोसिटी सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतर गया और इससे लोगों में पृथ्वी के बाहर भी बसने की उम्मीदें बढ़ चली हैं। एक टन वजन का मिशन मार्स, मंगल पर उतरा खोजी रोबोट, उम्मीदों का पहला पड़ाव पार, टचडाउन कन्फर्म्ड। भारतीय समय के मुताबिक दिन के 11 बजे नासा के कैलिफोर्निया स्थित नियंत्रण कक्ष में गूंजे इन शब्दों ने हर किसी को लाश से भर दिया। मिशन मार्स ने पहली बाधा पार कर ली थी, यानी मंगल पर 7 मिनट के भीतर उसकी लैंडिंग को लेकर जो तनाव था वो मंगल की मिट्टी पर क्यूरियोसिटी के छूते ही उल्लास में बदल गया। मार्स इज हार्ड एंड सक्सेस इज नॉट गारंटीड। देयर आर मेनी आउट इन द कम्युनिटी हु से दैट नासा has lost its way, that we don't know how to explore, that we've lost our moxie. I want you to look around tonight, all those folks with the blue shirts, think about what we've achieved. I think it's fair to say that NASA knows how to explore, we've been exploring, and we're on Mars. NASA ke sabse mahatvakankshi aur kharchile project Mars Curiosity ki shuruaat 10 saal pehle hui thi. कार के आकार के करीब 900 किलो वजनी यान की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2.8 मीटर और ऊंचाई 2.1 मीटर है। हल्के किस्म के इस यान की रफ्तार 20,800 किलोमीटर प्रति घंटा है। नासा ने अपने खोजी रोबोट की डिजाइन 6 पहियों पर तैयार की है। चारों कोनों में मौजूद पहियों में स्टीयरिंग मोटर से इसे चलाने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें रोबोटिक आर्म्स लगे हुए हैं जो इसके पहियों को कंट्रोल करते हैं। इसमें एक रोटेटिंग कैमरा भी लगा हुआ है जो मंगल ग्रह की हर कोने से तस्वीर ले सकता है। इसके अलावा इसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना है जो हर तरह के संदेश को रिकॉर्ड करने और फिर उसे नासा के वैज्ञानिकों तक पहुंचाने में मदद करता है। न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाले मार्स क्यूरियोसिटी में एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी लगाया गया है जो इसके अंदर और बाहर यंत्रों को चलाने के साथ साथ रोशनी मुहैया कराता है। टरेट नाम का हिस्सा रोबोटिक आर्म के पीछे का हिस्सा है जहाँ तरह तरह के आधुनिक औजारों को रखा जाता है। मार्स रोवर क्यूरियोसिटी को कुल 57 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसके अलावा मार्स रोवर क्यूरियोसिटी को मार्स की सतह पर करीब 20 किलोमीटर तक चलना भी होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मंगल ग्रह पर जीवन की खोज से जुड़े नासा का अभियान क्यूरियोसिटी अब कामयाब हो गया है। नासा का सबसे हाईटेक मार्स रोवर क्यूरियोसिटी मंगल की सतह पर सुरक्षित उतर गया है। भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे यान की सफल लैंडिंग हुई। मंगल पर मिशन मार्स, सबसे महंगा मिशन। मंगल पर जीवन की तलाश, नासा की जिज्ञासा। धरती के बाहर कहां है जिंदगी? 6 अगस्त 2012 न केवल नासा के लिए बल्कि दुनिया के लोगों के लिए एक खास तारीख बन रही है। दुनिया भर के लोग पहली बार मंगल पर गतिविधि को साफ साफ देख सकेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बने नियंत्रण कक्ष से इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सौर मंडल के लाल ग्रह कहे जाने वाले मंगल पर नासा के मार्स रोवर क्यूरियोसिटी के 9 महीनों की यात्रा के बाद लैंडिंग से धरती के बाहर सूक्ष्म जीवन की तलाश की उम्मीदों पर मुहर लगने की संभावना है। फिलहाल इसकी सुरक्षित लैंडिंग होना और 7 मिनट में इसे अपने कंट्रोल में करना वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा मिशन है। नासा ने 2.5 अरब डॉलर यानी 139 अरब रुपए के अपने अब तक के सबसे महंगे प्रोजेक्ट का नाम रखा है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। मार्स रोवर क्यूरियोसिटी से तमाम जिज्ञासाएं पूरी होने की आशा है। एक खास मिशन पर 26 नवंबर 2011 को अमेरिका के फ्लोरिडा से निकले मार्स रोवर क्यूरियोसिटी को धरती से मंगल तक
24 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 8.5 महीने लग गए। ये यान मंगल ग्रह पर पहाड़ से करीब 6.5 किलोमीटर दूर उतरेगा। न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाले 1 टन वजनी क्यूरियोसिटी का काम सूक्ष्म जीवन का पता लगाने के साथ मिट्टी के नमूने एकत्र करना है। एक खोजी रोबोट बने मार्स रोवर क्यूरियोसिटी मंगल की HD हाई डेफिनेशन तस्वीरें भेजेगा। माना जा रहा है कि मंगल की सतह पर लैंड करने के 4 महीनों के अंदर ये नासा के लिए आंकड़े जुटाने का काम करेगा, जिससे दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की खोज का मिशन पूरा होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और 9 महीने की यात्रा कर और उसकी सतह पर उतरकर नासा के हाईटेक यान मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ने मंगल अभियान की शुरुआत तो कर दी, अब अगले 4 महीनों तक ये चलता फिरता रोबोट मिट्टी के नमूनों और पानी की खोज कर इंसानी सभ्यता के विकास को एक नया आयाम देने के मिशन में जुट जाएगा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। मार्स क्यूरियोसिटी ने अगर मंगल पर जिंदगी की खोज के मिशन को अंजाम दे दिया तो यकीनन रोमांचित से भरे इस गीत में चांद की जगह मंगल ले सकता है। जरा सोचिए कितनी उम्मीदों से धरती के लोग इस मिशन के कामयाब होने और मंगल पर जाने के ख्वाब संजोने लगे हैं। दरअसल एक सच ये भी है कि मंगल पर 1960 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 39 मिशन जा चुके हैं और इनमें से 17 को ही पूरी या आंशिक सफलता मिली है और कामयाब होने वाले अधिकतर मिशन अमेरिकी ही रहे हैं। इससे पहले मंगल की सतह पर जो मिशन भेजे गए उनमें फीनिक्स, वाइकिंग 1, वाइकिंग 2, पाथफाइंडर, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट मिशन रहे हैं। वाइकिंग 1 मंगल पर 19 जून 1976 को पहुंचा था, जिसने मंगल के लाल रंग की मिट्टी की तस्वीरें ली थी। इसके बाद वाइकिंग 2 1977 में मंगल की कक्षा में पहुंचा और मंगल की 1400 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी थी। इसके बाद नासा ने जून 2003 में स्पिरिट और जुलाई 2003 में अपॉर्चुनिटी नाम से 2 मार्स रोवर प्रोजेक्ट भेजे। स्पिरिट ने मंगल की सतह पर बने क्रेटर की पड़ताल की, जहां पानी की मौजूदगी होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पानी होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। अपॉर्चुनिटी को मंगल की चट्टानों में हेमेटाइट नामक खनिज का पता चला, जिसके जरिए पानी की उम्मीद की काफी संभावना बनी, लेकिन इससे मंगल पर आबादी होने और पानी की उपलब्धता साबित नहीं हुई। भारत भी मंगल मिशन की तैयारी में है। सरकार की मंजूरी के बाद स्पेस एजेंसी नवंबर 2013 में एक मार्स ऑर्बिट लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है, जिस पर 450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंगल पर मार्स रोवर क्यूरियोसिटी का सफलतापूर्वक लॉन्च होना और जिंदगी की संभावनाओं की तलाश में जुटना निसंदेह उम्मीदों को जगाए रखना है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।